ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन का दिल जिसे हम सब माल रोड के नाम से जानते हैं, इस रोड की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जहां पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं, वहीं वाहन चालक भी इन गड्ढों से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सोलन का दिल जिसे हम सब माल रोड के नाम से जानते हैं, इस रोड की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जहां पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वाहन चालक भी इन गड्ढों से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। शहरवासियों ने इस सड़क के बारे में नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग को कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से शहरवासियों में काफी रोष देखा जा रहा है। जब इसके बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खास तौर पर सैनिक रेस्ट हाउस के समीप नगर परिषद की पानी की पाइपें लीक करती हैं, जिसकी वजह से सड़क को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर परिषद को कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद पाइपों की मरम्मत नहीं करवा रही है, जिससे सड़क पर खड्डे पड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि बारिश खत्म होते ही इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी। उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि सैनिक रेस्ट हाउस के पास जो पॉइंट है, वहाँ दो तीन लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाइपलाइंस की लीकेज होती है और समय समय पर इसको बताया गया है। अब जो हमें बताया गया कि एमसी की पाइपलाइंस है, तो एमसी से भी कई बार इसको टेकअप किया गया है, तो बार बार होती है। बाकी और ज़्यादा खराब हुई है, अभी गर्मी में हमने पैच वर्क का टेंडर लगाए हुए हैं, तो उसमें उसको वैसे ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि एमसी वालों को भी हमने अनुरोध किया है कि इसको एक पक्के तौर पे ठीक करें, ये नहीं कि टाइम टू टाइम 10 दिन बाद फिर हो जाता है, तो पक्के तौर पे इसको सोल्यूशन करें।